चकराते का राजमा बहुत प्रसिद्ध होता है। उसी चकराते के राजमे की स्पेशल रेसिपी मैं आप सभी के लिए लाई हूँ। खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है और एकदम लाल रंग का राजमा बनता है। इसके साथ मैं बनाऊंगी बासमती राइस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एकदम खिले खिले चावल कैसे बनाएं। तो बिना देर करे रेसिपी शुरू करते हैं। चकराता राजमा बनाने के लिए यहाँ मैंने 300 से 400 ग्राम चकराता राजमा लिया है। ये चकराता में स्पेशल रूप से मिलता है। अब इसको मैं 3 से 4 पानी में अच्छे से धोकर फिर इसको मैं कुकर में 5 से 6 सीटी आने तक चढ़ा दूंगी। यहाँ मैंने राजमा को 3 से 4 पानी में अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसमें मैंने पानी की मात्रा राजमा भीगने तक रखी है। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 चम्मच हींग पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच खाने का सोडा ऐड करेंगे इसमें। ज्यादातर राजमे को सभी लोग ओवरनाइट भिगोते हैं, लेकिन यहाँ मैं राजमे को इंस्टेंट तरीके से बनाऊंगी, जिसमें मैं केवल सीटी ज्यादा लूंगी। अब इसका हम ढक्कन बंद करके सबसे पहले 4 से 5 सीटी आने तक रखेंगे। गैस को हम फुल मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। यहाँ मैंने 4 से 5 सीटी आने पर गैस को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर कर दी है। इससे ये राजमा अच्छे से गल जाएगा। देखिए राजमे में 4 से 5 सीटी आ गई थी। फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर कर दिया था। इससे राजमा हमारा अच्छे से फूल गया होगा। अब इसको खोलकर चेक कर लेते हैं कि राजमा हमारा पूरा अभी बना या नहीं है। राजमा हमारा फूल गया है, लेकिन इसमें अभी हमें आँच और लगानी है। इसमें 5 से 6 सीटी अभी हमें और लगानी है अच्छे से। यहाँ मैं इसमें आधा गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ। दोबारा से 5 से 5-6 सीटी आने के लिए गैस पर फिर से चढ़ा देती हूँ। गैस हम हाई फ्लेम पर रखेंगे। यहाँ मैंने 4 प्याज लिए हैं बड़ी बड़ी साइज की। इनको अब मैं बारीक बारीक काट लूंगी। इस प्रकार हम प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे, या आप चाहें तो इसे चॉप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे देसी घी 1 से 2 चम्मच भर के, क्योंकि राजमे में देसी घी के छौंक में ही असली स्वाद आता है, ना कि डालडा घी के। बाकी आप जो भी घी यूज करना चाहते हैं वो यूज कर लीजिए। 4 से 5 मैंने गार्लिक की कलियां ली थी, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इनको मैंने लंबे साइज में काट लिया है। लंबे साइज में अदरक काटने से राजमे में अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको थोड़ा सा सॉटी कर लेंगे, ताकि गार्लिक का और अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। देखिए गार्लिक हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्याज काटी थी। प्याज देखिए, प्याज को हमें गोल्डन होने तक अच्छे से भूनना है। देखिए प्याज भी हमारी अच्छे से भून गई है। अब इसमें ऐड करते हैं मसाले। सबसे पहले 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। मसालों को प्याज में अच्छे से मिला देते हैं। मसाले प्याज में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी टमाटो प्यूरी, 1 टमाटर को पीस के भी प्यूरी बना सकते हैं, और मार्केट में भी टमाटो प्यूरी किसान की मिल जाती है। उससे भी आप राजमा छोले बना सकते हैं। इससे राजमा छोलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, टमाटो को और प्याज को। देखिए हमारे राजमे की ग्रेवी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अब हम राजमे को खोलकर
देख लेते हैं। राजमे में सीटी निकल गई है, राजमे को खोलकर देखिए राजमा हमारा गल गया है। देखिए एकदम राजमा हमारा अच्छे से गल गया है। अब इसमें हम ग्रेवी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। प्याज और टमाटर की प्यूरी को हमने राजमे में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ राजमा हमारा काफी गाढ़ा है, इसमें हम धोकर फ्राई पैन को अच्छे से डाल देंगे और फिर इसमें 2 से 3 सीटी आने देंगे जिससे इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, राजमा अलग अलग ना लगे, एकदम परफेक्ट राजमा बनकर तैयार हो। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस प्रकार होनी चाहिए। इसमें अब हम 2 से 3 सीटी और आने देंगे फिर हमारा राजमा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। देखिए सीटी हमारी निकल गई है, अब इसको खोलकर देख लेते हैं कि राजमा हमारा बन गया। देखिए कितना सुंदर राजमे का कलर आया है। देखिए बिना भिगोए बिना कुछ करे एकदम राजमा परफेक्ट राजमा बनकर तैयार है। देखिए यदि हम राजमा बना रहे हैं और उसके साथ चावल ना हो तो मजा ही क्या है। यहाँ मैंने 1 कटोरी सादा बासमती चावल लिए हैं, इसको हम अच्छे से 4 से 5 पानी में धो देंगे और इसको 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। चावल को यहाँ मैंने अच्छे से 3 से 4 पानी में धो दिया था, अब इनको मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया है जिससे चावल एकदम खिले खिले बने। आज मैं आपको एकदम खिले हुए चावल बनाने बताऊंगी। पानी में बॉईल आ गया है, अब इसमें हम चावल ऐड कर देते हैं। यहाँ हम बॉईल वाले चावल बना रहे हैं, इसके लिए हमें पानी अच्छे से रखना होता है ताकि चावल को स्पेस अच्छा मिले फूलने के लिए और चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले बने। यदि हम पानी की मात्रा कम रखेंगे तो चावल हमारे अच्छे से नहीं फूलेंगे। पहले इसको हमें बॉईल आने तक तेज आंच पर रखना है, जब बॉईल आ जाएगा फिर इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। चावलों में अच्छे से बॉईल आ गया है, अब इसको गैस को हम लो मीडियम फ्लेम पर कर देंगे ताकि चावल हमारे अच्छे से फूल जाए और खिले खिले बने। यदि आपके चावल खिले खिले नहीं बनते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके भी चावल एकदम वाइट और खिले खिले बने। देखिए चावल हमारे लंबे लंबे हो गए हैं, समझिए हमारे चावल बन गए हैं। इसी समय आप नींबू के रस की 2 से 3 बूंदे डाल सकते हैं, इससे चावल घुटेंगे नहीं और एकदम खिले खिले ही रहेंगे। अब इनको मैं एक बड़ी छन्नी में छान लेती हूँ। चावलों को मैंने यहाँ छन्नी में छान लिया है। देखिए चावलों का एक एक दाना खिला हुआ है और एकदम सफेद चावल बने हैं। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। राजमे चावल के साथ लच्छेदार प्याज आप सर्व कर सकते हैं जो इसको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देगी। तो लीजिए दोस्तों, टेस्टी और लजीज राजमा राइस बनकर तैयार हैं। आप नॉर्मल मिलने वाला राजमा भी इसी प्रकार बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं लाती रहूंगी ऐसी ही डिलीशियस रेसिपी आप सभी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।